विश यू ऑल अ वेरी वॉर्म वेलकम टू दिस चैनल। आकाश बाईजूज नीट यूट्यूब में आप सबका तहे दिल से स्वागत है क्रैश कोर्स की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम कवर करेंगे एक इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास ट्वेल्थ के सिलेबस का दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ मैं आप सबको बता दूं इससे पहले male reproductive system, female reproductive system, fertilization and post fertilization events. ये तीनों कवर करा चुका हूं चैनल का प्ले आप देख लीजिएगा आपको वो तीनों लेक्चर्स मिल जाएंगे सो आल माई राजा बेटा एंड वानी बेटियां आज हम एक सिंगल शॉट में ये कंप्लीट चैप्टर कवर करेंगे एंड लेट मी टेल यू इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर हर साल नीट में इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पिछले साल नीट 2022 का क्वेश्चन पेपर उठा करके देखिएगा आपको बहुत से क्वेश्चंस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में से मिल जाएंगे विच इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर आप सबका तहे दिल से स्वागत है नमस्कार गॉड ब्लेस यू लव यू ऑल एंड मैं चाहूंगा कि आप सबका नीट में एक बेहतरीन रैंक आए और आप एक वर्ल्ड फेमस डॉक्टर बने चल आ...

लेट मोर मोर एंड स्टूडेंट्स एक कॉमन कॉज के लिए एक बेहतरीन रैंक लाने के लिए हम सब लोगों को निमंत्रण देते हैं जोगेश वेलकम हेलो सोनू मैं टीकू जी अनिश मोहम्मद अनस ग्रेट जी ऑल माई राजा बेटा रानी बेटिया लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा आपके प्यारे प्यारे लाइक्स मेरे दिल तक पहुंचते हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है well, समस्या से शुरू कर लेते हैं भैया आज के इस चैप्टर की शुरुआत वर्ल्ड पॉपुलेशन देखिए जरा जनसंख्या कितनी बड़ी समस्या बन चुकी है आप ये बात जानते होंगे कि हम भारतीय चीन को मात दे चुके हैं जनसंख्या में क्या आप ये बात जानते हैं स्कूल में बचपन में आपको पढ़ाया जाता था दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कौन से देश की है चाइना की अब नहीं मेरा भारत महान <laughs> है ना स्ट्रेंज बात बिल्कुल जी पॉपुलेशन आउटबर्स्ट पॉपुलेशन विच एक्सीड्स द सस्टेनेबल साइज इंडिया यहां पे लिखा है ना सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री तो ये डेटा थोड़ा सा पुराना हो गया ठीक है जी अब क्या है इंडिया टॉप कर चुका है इंडिया ने चाइना को भी मात दे दी है तो ये एनसीआरटी का पुराना डेटा है दैट एवरी सिक्स पर्सन इन द वर्ल्ड इज एन इंडियन अब शायद ये डाटा बदल के नई एनसीआरटी में आएगा चलो कुछ बेसिक टर्म समझ लो कि टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न टू अ वुमन ओवर हर लाइफ टाइम राइट एक महिला अपने लाइफ टाइम में अपने रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन में जितने बच्चों को जन्म देती है तो उसे हम टोटल फर्टिलिटी रेट कह देते हैं जो आइडियल है टोटल फर्टिलिटी रेट की भाई कितने बच्चे होने चाहिए दैट इज 2 दो पर ऐसा होता तो नहीं है आपने देखा ही है अपने आस पड़ोस में ये हो सकता है आपके परिवार में भी मैं अगर स्वयं ही अपनी बात करूं तो मेरी जो मौसियाँ हैं इंक्लूडिंग माई मॉम एट सिस्टर्स एंड टू मामाज दस बच्चे है ना तो पुराने ज़माने में हम अक्सर ये सुनते थे कि भाई बहुत सारे बच्चे लोग पैदा करते थे और क्या मानसिकता रहती थी उनके इसके पीछे वो ये कि भाई ज्यादा लोग होंगे बड़ा परिवार होगा आपस में ही इतना प्यार होगा है ना जैसे घर की फौज तैयार कर ली है हमने तो पता नहीं जंग लड़ने जाना है लोगों से जो कि गलत है है ना सर्टनली मोहम्मद इब्तिया पूछ रहे हैं कि तबीयत कैसी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है बेटा लेकिन आप लोग आप प्रॉमिस करिए इस चीज़ की कि भाई इस चीज को लेकर के आप जरा समझदारी दिखाएंगे कल को आपकी भी शादियां होनी है बच्चे होने हैं तो प्लीज हम दो हमारे दो छोटा परिवार सुखी परिवार यही नियम आप अपनाएंगे एग्रीड इसी बात पे थम्स अप साइन होना चाहिए अक्षय ठाकुर कह रहे हैं कि मेरी मदर की भी पांच सिस्टर्स हैं और तीन ब्रदर हैं मतलब तुम्हारी चार मौसियां हैं और तीन मामा हैं ग्रेट वंडरफुल जी स्कूल में जब कभी लड़ाई होती होगी तो तुम डराते होगे मैं अपने मामा को लेके आ जाऊंगा मैं मौसी को लेके आ जाऊंगा सो आइडियल टोटल फर्टिलिटी रेट दो होना चाहिए जो कि एक्चुअल में होता नहीं है वेल एज द टाइम पास द बेबीज दे ग्रो टू बिकम एडल्ट पेरेंट एज डाई पॉपुलेशन रिमेन्स कॉन्स्टेंट जनरली होता क्या कि भाई बच्चे पैदा हुए बच्चे बड़े होंगे और फिर बुजुर्ग लोग जो है वो uh, <coughs> मृत्यु को प्राप्त कर जाएंगे सो मान लो पॉपुलेशन n है उसमें हमने n plus 2 करा और समय के साथ फिर से वो n हो जाएगी क्योंकि जो जन्म लेगा वो ऑफ कोर्स मृत्यु को प्राप्त भी होगा पॉपुलेशन बढ़ने के कितने सारे कारण हैं भाई इलिटरेसी है है ना एवर्जन फ्रॉम फैमिली प्लानिंग लोग फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स अपनाना नहीं चाहते हैं चाइल्ड मैरिज इंडिया में अभी भी कई जगहों पे बाल विवाह होते हैं राजस्थान के कुछ एरियाज़ में आप भी ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर आपने कोई ऐसा केस देखा है कि भाई बाल विवाह जहां पे हो रहा है टीवी पे कई सीरियल्स भी दिखाए जाते थे इससे रिलेटेड बाल विवाह से रिलेटेड प्रेफरेंस फॉर मेल किड्स इट इज़ नॉट ओनली इन इंडिया बल्कि पूरे वर्ल्ड में ऐसा है कि भाई एक चाहत रहती है माता पिता की कि हमारे यहाँ लड़का ज़रूर हो मेल बेबी हो और मेल बेबी पाने की चाहत में अक्सर कितनी सारे फीमेल बेबीज़ को जन्म दे बैठते हैं लोग नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव गर्भ निरोधक जो हैं कॉन्ट्रासेप्टिव जो हैं बहुत सी जगहों पे आसानी से उपलब्ध नहीं है लोगों को जानकारी नहीं है ज्ञान नहीं है है ना कहते हैं ना अनपढ़ता अभिशाप होती है सो बहुत से लोगों को नॉलेज ही नहीं है इस चीज के बारे में इलिट्रेसी है सो बहुत सारे कारण हैं पॉपुलेशन के जो है बढ़ने के अब जब पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी तो समस्याएं क्या होंगी मैं आपको चलो कॉमन से एक्जाम्पल देता हूँ अगर मैं दिल्ली की बात करूँ मैं दिल्ली में रहता हूँ भारत की राजधानी

बहुत सारी बीमारियां भी फैलती हैं स्केर्सिटी हो जाएगी फूड की फंड्स का शॉर्टेज होगा चीज़ों का ओवर कंजम्पशन है पूरा इकोलॉजिकल इंबैलेंस हो जाएगा मदर नेचर के साथ यदि हम खिलवाड़ करते हैं यदि हमने जनसंख्या को कंट्रोल नहीं करा अभी भी अगर हमारी आंखें नहीं खुली तो आगे जाकर के समस्याएं बहुत विकराल रूप जो है धारण कर लेंगी अब बहुत सारी अ, सरकारी और गैर संस्कारी संस्थाएं जो हैं मतलब गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस दे आर वर्किंग इन दिस फील्ड टू एजुकेट द मासेस लोगों तक ये जानकारी पहुंचाई जाए कि भाई छोटा परिवार सुखी परिवार है आप कम बच्चे पैदा की, कीजिए अब लोगों की मानसिकता ये रहती है कि भाई ज़्यादा बच्चे होंगे तो ज़्यादा हाथ होंगे मतलब ज़्यादा कमाने वाले हो जाएंगे ये गलत है है ना उन बच्चों की परवरिश में भी तो पैसा खर्च होगा ना आपको उन्हें अच्छी पढ़ाई लिखाई भी तो देनी पड़ेगी लोग ये सोचते हैं कि बच्चा छः सात आठ साल का होगा किसी ढाबे में कहीं भी काम काज करने के लिए लगा देंगे वो पैसा कमा करके लाएगा गांव देहात में अभी भी ये मानसिकता है बहुत जगहों पे मेंटेलिटी यही है विच इज रॉन्ग होना नहीं चाहिए ऐसा पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन पॉलिसी से मेरा क्या मतलब है अच्छा आपको ये जो स्लोगंस दिख रहे हैं जो इश्तेहार दिख रहे हैं हिंदी में लिखा है ना जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार पोस्टल स्टैम्प्स के ऊपर आपने ऐसा देखा होगा हम दो हमारे दो स्टैम्प्स व्हिच आर प्रमोटिंग द फैमिली प्लानिंग छोटा परिवार सुखी परिवार समझ रहे हैं आप मेरी बात जी राइट right? रोहित कह रहे हैं कि ज्यादा स्टूडेंट्स फिर नीट के लिए कॉम्पीट करेंगे मोहम्मद इम्तिया कह रहे हैं सर आप दिल्ली में कहां रहते हो मैं कर्नाटका से हूं इंशाला जब मैं कॉलेज में आऊंगा तो आपसे जरूर मिलूंगा बिल्कुल जी बिल्कुल आप मुझसे जरूर मिलने आइएगा मेरा टेलीग्राम आपके पास है आईडी मेरा फोन नंबर भी बच्चों के पास होता है सो या मोस्ट वेलकम जरूर मिलिए मुझे बड़ी खुशी होगी पर्सनली आपसे मिलके सन उन्नीस में 1952 में नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग लॉन्च किए गए ध्यान रखिएगा यहां से क्वेश्चन फ्रेम हो गया कि कौन सी सबसे पहली कंट्री है जिसने फैमिली प्लानिंग को लेकर के प्रोग्राम लॉन्च करे इंडिया फर्स्ट टू लॉन्च द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम राइट जी देख लो इतनी जल्दी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम शुरू कर दिए थे हमने भारत देश में आजादी के बाद लेकिन वो समस्या आज तक खड़ी हुई है और इतना विकराल रूप धारण कर चुकी है कि चीन की जनसंख्या को हमने मात दे दी है चाइना का ओवरऑल साइज देखो जियोग्राफिकली और हमारा साइज देखो ठीक है जी ऑब्जेक्टिव रहे थे इसके टू प्रमोट द स्मॉल फैमिली हो नहीं पाया ऐसा अवेयरनेस अबाउट प्रोग्राम ब्रॉट स्टेम्स पोस्टर्स एटसेट्रा पहले ना दूरदर्शन पे टीवी में इसको लेकर के एडवर्टीजमेंट भी आया करती थी कॉन्ट्रोसेप्टिव मेथड्स की भी आपने सुने होगा निरोध ब्रांड ऑफ कॉन्ट्रोसेप्टिव जो है कॉन्डम दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री ऑफ कॉस्ट एट द गवर्मेंट हेल्थ सेंटर्स तो टीवी में इससे रिलेटेड एडवर्टीजमेंट भी आया करती थी ना रसीएच क्या है इसकी फुल फॉर्म पे आपसे सवाल पूछा जाएगा आरसीएच है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स ठीक है जी रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स जो है इनके ऑब्जेक्टिव क्या है उद्देश्य क्या है टोटल फर्टिलिटी रेट को कम करना रिड्यूस करना इन्फेंट मॉर्टैलिटी रेट एंड मेटर्नल मॉर्टैलिटी रेट को भी कम करना अक्सर हम सुना करते थे कि बच्चे को जन्म देते समय माँ की मृत्यु हो गई है जन्म लेने के बाद बच्चे की मृत्यु हो गई तो सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाएं गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर्स पे फैसिलिटीज हों जच्चा बच्चा सुरक्षा उनका ध्यान रखा जाए राइट मॉनिटर दल वेल बींग ऑफ मदर एंड चाइल्ड गर्भवती महिला का माँ का और बच्चे की देखभाल सही तरीके से की जाए उन्हें उपलब्ध कराई जाए असुरक्षित right? right? यौन संबंधों से होने वाले जो रोग हैं जिन्हें हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कहते हैं उनसे कैसे बचा जाना है लोगों को इसकी जानकारी दी जाए राइट right? अनवांटेड प्रेगनेंसीज राइट जैसे टीन एज प्रेग्नेंसीज हो जाती हैं बच्चे हैं एक्सपेरिमेंट करते हैं एडवेंचर्स समझते हैं वो इन चीज़ों को बट वे नहीं समझ पाते कि अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल रिलेशन आप यंग एज में बना रहे हैं तो उसके नतीजे बहुत भयानक हो सकते हैं अनवॉन्टेड प्रेगनेंसीज हो जाने पर फिर अगर एबॉशन कराया जाता है या एम कराया जाता है तो उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशन है, है ना तो इन इन इशूज के बारे में ओपनली बात करना बड़ा जरूरी है ये जो शब्द है ना तीन अक्षरों का एस ई एक्स इट इज़ कंसिडर्ड एज अ टैबू इन आर सोसाइटी टैबू का मतलब होता है एक ऐसा विषय एक ऐसा इशू जिसके ऊपर खुल कर के बात करना वर्जित है है ना अगर ये शब्द आप घर में बोल देंगे तो भैया डांट पड़ेगी मम्मी पापा क्या कहेंगे माता पिता से हम सेक्स रिलेटेड किसी भी इशू पे बात नहीं कर सकते हैं हम अपने दोस्तों यारों से ही बात करते हैं और उन्हें भी उतनी ही नॉलेज होती है अधकचरा ज्ञान होता है है ना अधकचरा ज्ञान होने के कारण ही फिर ये समस्याएं जो हैं आगे बढ़ती हैं ना स्टेबिलाईजेशन पॉलिसीज के आउटकम्स की बात कर रहे हैं एक्सेस टू द गुड हेल्थ केयर फॉर प्रेगनेंसी एस टीडीज एबॉर्शन मेंस्ट्रल प्रॉब्लम्स इनफर्टिलिटी अच्छा आप हैरान हो रहे होंगे एक तरफ तो जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ रही है लेकिन साथ के साथ इनफर्टिलिटी की समस्या भी बढ़ रही है सोनू इनफर्टिलिटी से क्या मतलब है इन एबिलिटी ऑफ अ कपल टू कंसीव इवन आफ्टर टू ईयर्स ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल इंटरकोर्स कि अगर गर्भधान नहीं हो रहा दो साल हो चुके हैं अस, मतलब असुरक्षित यौन संबंध बनाते हुए मतलब किसी कॉन्ट्रोसेप्टिव मेथड का इस्तेमाल भी नहीं किया गया है तब भी गर्भधान नहीं हुआ है तो हम कहते हैं इनफर्टिलिटी अब देखो कितनी हैरानी की बात है एक तरफ जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ रही है दूसरी तरफ इनफर्टिलिटी भी इतनी ज्यादा बढ़ रही है

साल साल का अंतर अंतर है 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 मेल्स जाके लगभग के जब हो जाते हैं 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 तब वो थोड़े mentally जो है वो थोड़े जो होते strong होते है. ये बात आपको पता थी इतना अंतर होता मेल और फीमेल में लिटरेसी रेट इंक्रीज एंड ब्रॉट अवेयरनेस ओवर पॉपुलेशन सेक्स एजुकेशन इंट्रोड्यूस्ड इन द स्कूल्स बहुत से स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन जैसा विषय जो है वो पढ़ाया जाता है बहुत से स्कूल्स में इंट्रोड्यूस किया गया कई जगहों पे सक्सेसफुली चला कई जगहों पे सक्सेसफुली नहीं चल पाया क्योंकि स्कूल लेवल पे सेक्स जैसे इशू को पढ़ा पाना बड़ा ही चैलेंजिंग हो जाता है।, है ना कि क्या बॉयज़ और गर्ल्स को एक साथ बिठा करके पढ़ाया जाए क्या स्कूल के टीचर्स ही इतने इक्विप्ड हैं कि वो बच्चों की क्वेरीज़ को हैंडल कर पाएंगे या बाहर से स्पेशल गेस्ट लेक्चरर्स बुला करके इस विषय पे लेक्चर्स लिए जाएं सो दैट मींस बहुत सारी जो है बातें रही आप में से भी बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनके स्कूल्स में ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर जो है वो नहीं पढ़ाया गया होगा कोई शेयर करना चाहता है वंश बेटा इस चीज़ से रिलेटेड बात कि क्या आपके स्कूल में रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर पढ़ाया गया या नहीं यस yes या नो no लिख करके भेजिए कहना है आवर स्कूल वेरी वेल और उन्होंने बड़े अच्छे से पढ़ाया वृत्ति ने कहा है कि नहीं पढ़ाया है नवीन के स्कूल में नहीं पढ़ाया आयुष मनी को नहीं पढ़ाया है ग्रेट देखिए चैट बॉक्स में देखिए ज्यादातर ना आ रहे हैं जवाब डॉक्टर अरुण कह रहे हैं यस पढ़ाया है कुछ बच्चे कह रहे हैं पार्शली पढ़ाया है और कुछ ने कहा वर्मा कह रहे

और स्तनपान का महत्व क्या है यानी इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग राइट मेरे बच्चे ठीक है जी चैट बॉक्स में इस समय हम आपके लिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी शेयर कर रहे हैं अगर आपका कोई भी सवाल है कोई भी क्वेश्चन है प्लीज फील फ्री मी टू प्लीज फील फ्री टू सेंड मी अ मैसेज मेरा टेलीग्राम ग्रुप है डॉक्टर सचिन कपूर टॉक तो आप अपना मैसेज भेज सकते हैं ठीक है जी राइट right? अनिक मैं सत्रह घंटे पढ़ रहा हूँ और मैं नौवीं में हूँ हाँ बहुत बहुत अच्छा है आप इतना ज़्यादा समय दे पा रहे हैं पढ़ाई के लिए दैट्स वेरी गुड थोड़ा बहुत खेल कूद के लिए भी टाइम रखिएगा ठीक है जी प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एडोलिसन से रिलेटेड इश्यूज किशोरावस्था जिससे आप गुजर रहे हैं बड़ी सारी समस्याएं हैं बहुत से लोगों को एडोलिसंस में जो है एक्ने हो जाते हैं एक्ने समझते हैं मुहा हॉर्मोन्स का लेवल बदलता है जिसके कारण सिबेशस या ऑयल ग्लैंड ज्यादा ऑयल सिक्रिएट करती हैं ज़्यादा ऑयल डस्ट को बैक्टीरिया को अट्रैक्ट करता है जिसके कारण कि चेहरे पे पीठ पे छाती पे मुहासे हो जाते हैं डॉलिसेंस की एक बहुत बड़ी समस्या है बच्चों में एक इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है बार बार अपने आप को शीशे में देखना अपनी फिगर देखना अपनी बॉडी देखना अपनी हाइट देखना बियर्ड ठीक से आई या या है यानी नहीं ठीक से आई है नहीं आई है ना मेल्स की अपनी समस्या आस्ता बेटा फीमेल्स की अपनी समस्याएं हैं और आजकल तो सबको यही है भैया इंस्टाग्राम पर बनानी है यूट्यूब पे स्टोरी डालनी थी ये करना था और हम तो अच्छे नहीं लग रहे हैं उस फंक्शन में जाना था चेहरे पे मुहासे हो गए एंड ऑल दैट वेल सेफ एंड हाइजेनिक सेक्शुअल प्रैक्टिस के बारे में बताना जरूरी है किसी को कह दो तुम्हें सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो गई है और अब अगर हम ये कहें कि सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हुआ है तो फिर पेशेंट को लगता है कि हाँ भैया इन्फेक्शन है कोई हल्की फुल्की चीज है मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा डिजीज कह देने से ना पेशेंट डर जाता है सब समझ गए आप मेरी बात राइट जी रिसर्च ऑफ न्यूअर बेटर एंड ईजियर टू यूज फैमिली प्लानिंग मेथड्स राइट अच्छा आप ध्यान रखिएगा सहेली इस पे क्वेश्चन आता होता है नीट में कि साइंटिस्ट uh, जो हैं डॉक्टर्स जो हैं वैज्ञानिक जो हैं वो नए नए तरह के गर्भ निरोधक जो है मेथड्स उनका भी रिसर्च uh, कर रहे हैं जैसे सहेली जो है पिल का नाम है फीमेल्स के लिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है इट इज फर्स्ट एंड द ओनली नॉन हार्मोनल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव नॉन स्टेरॉयडल है इसमें स्टेरॉयड नहीं है ध्यान रखिएगा बिकॉज स्टेरॉयड के बहुत सारे साइड इफेक्ट देखे गए थे इसे डेवलप किया था सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सहेली पिल कहाँ डेवेलप हुई थी लखनऊ में किसके द्वारा सी डी आर आई वॉट इज सी डी आर फुल फॉर्म सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट याद रहेगा जी ठीक है आयुष सहेली का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में भी आपको आगे बताऊंगा नाउ एम्यू के जरिए बच्चे का सेक्स जानना जो है वो अपराध है एमनियोसेंटेसिस प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक है जिसमें हम स्मॉल अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूड निकालते हैं मदर के यूट्रस में से बाय ए नीडल गाइडेड बाय अल्ट्रासाउंड और उस एमनियोटिक फ्लूड में सेल्स होते हैं एमनियोसाइट्स विच आर द डिटैच सेल्स फ्रॉम द फीटल स्किन एमनियोसाइट सेल्स को हम स्टडी करते हैं फॉर क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स

ठीक है जी और रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स को इन्श्योर करने की सस्ते और वाइडली अवेलेबल में चाहिए। में नहीं है कि भैया बिल्कुल, 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 स्कूल वाले ने कट कर दिया था नीरज तिवारी आपके स्कूल वालों ने फिर बिल्कुल गलत पढ़ा है उन्होंने स्वयं ही इस चीज को ठीक से नहीं पढ़ा सहेली इज वंस वीक पिल ध्यान रखिएगा फॉर द फर्स्ट ट्वेल्व के बाद केवल हफ्ते में एक बार ही लेनी होती है नीरज आप मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा अलग से और जिस भी टीचर ने आपका ये सवाल गलत करा है उन्हें मेरा ये वीडियो जरूर दिखाइएगा और उन्हें बोलिएगा कि इंटरनेट पे चेक कर लें इसके बारे में कि सहेली इज वंस अ वीक कॉन्ट्रोसेप्टिव पिल राइट जी कॉन्ट्रासेप्टिव का फ्री डिस्ट्रीब्यूशन भी होना चाहिए इसमें भी आप जानते हैं दिस ब्रांड ऑफ कॉन्डम्स निरोध इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री ऑफ कॉस्ट एट द गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर्स और इसके अलावा जो वेसेक्टॉमी है आपको पता है मेल स्टेरिलाइजेशन वेसेक्टॉमी भी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त की जाती है बल्कि इसके साथ साथ प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है कि जो मेल वेसेक्टमी करवाने सरकारी अस्पताल में आएगा भैया उसको साथ के साथ हम प्रोत्साहन राशि भी देंगे पॉपुलेशन इंडिया की जो है बड़ी है और बढ़ती ही जा रही है एंड ये एक बुरी खबर है है लाइफ स्पैन बढ़ा लोगों का मेटर मोर्टेलिटी रेट जो है कम हुआ है साउथ हाँ, साइड में कुछ स्टेट्स ऐसी जरूर हैं जहां पे थोड़ा सा सेक्स रेशो बैलेंस्ड है आयुष बिल्कुल इज अ सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रोसेप्शन नोवेन्यू से रिप्रोडक्टिव हेल्थ तो उसका मतलब क्या है तो आप जानते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू एच ओ ने डिफाइन करा है दैट हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल इमोशनल राइट एंड स्पिरिचुअल वेल बींग फिजिकल मेंटल इमोशनल एज वेल एज स्पिरिचुअल वेल बींग दैट इज वट इज हेल्थ हेल्थ का मतलब यही नहीं होता सिर्फ कि एबसेंस ऑफ डिजीज नहीं मानसिक रूप से शारीरिक रूप से आध्यात्मिक रूप से भावनात्मक रूप से आपको स्वस्थ होना चाहिए तो रिप्रोडक्टिवली भी आपको फिर इसी तरीकों से हेल्दी तभी कहा जाएगा फिजिकल इमोशनल बिहेवियरल एंड सोशल वेलबींग सोशल एस्पेक्ट भी डाला गया है बिहेवियर भी आपका जो है सही होना चाहिए सेक्स रिलेटेड इश्यूज पे अगर बात करनी हो तो ऐसा नहीं है कि आप मुंह छुपा रहे हैं आप डर रहे हैं किसी के सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं इज इट क्लियर जी राइट कराए जाएंगे चिंता मत कीजिएगा सरकार कह रही है इमोशनली एंड कीजिए अपने को बेटा इतने अच्छे लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं आप मेहनत कीजिए ना आप पढ़िए दिल लगा करके आलतू फालतू की चीजों में अपना ध्यान मत लगाइए तो काहे को आप इमोशनली अपने आप को कमजोर महसूस करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड क्या होते हैं सिस्टम डिफाइन कर दूं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हिंदी में गर्भ निरोधक कह देते हैं बर्थ कंट्रोल मेथड कह देते हैं इट इज अ मेथड और सिस्टम विच अलाउस सेक्शुअल इंटरकोर्स बट प्रिवेंट प्रेगनेंसी गर्भ को रोकता है लेकिन सेक्सुअल इंटरकोर्स को अलाउ करता है सो इट अलाउज द सेक्सुअल इंटरकोर्स बट प्रिवेंट्स दो की सकते हैं? जो है, आगे हम पढ़ेंगे, there can be है जब तक इस्तेमाल करा उसका असर बना रहा एंड फर्टिलिटी रिज्यूम्स इमीडिएटली आफ्टर और विद इन फ्यू मंथ इट्स डिस्कटिन्यूएशन दूसरे होते हैं राजा बेटा परमानेंट मैथड परमानेंट मेथड को ही हम सर्जिकल मेथड भी कहते हैं या इसको हम टर्मिनल मेथड भी कहते हैं या इसको हम स्टेरेलाइजेशन टेक्निक भी कहते हैं मेल के लिए वेसेकटॉमी फीमेल के लिए ट्यूबेक्टोमी स्टेरिलाईजेशन वर्ड आपने सही यूज करा है सर्जिकल टेक्निक्स भी कह देते हैं तो ये परमानेंट है दे आर इरिवर्सिबल नियरली इरिवर्सिबल एक बार वेसेक्टॉमी हो जाने के बाद या ट्यूबेक्टोमी हो जाने के बाद उसको सक्सेसफुली रिवर्स कर पाना इसके चांसेस बड़े ही कम होते हैं बड़ी एक्सपर्ट माइक्रो सर्जरी चाहिए होती है ठीक है जी सो so, कंट्रावर्ड का मतलब होता है अगेंस्ट एंड कॉन्सेप्शन तो आप समझती हैं फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम बाय स्पर्म कॉन्सेप्शन टर्म हम कहां से यूज करते हैं बेटा कॉन्सेप्शन मींस जब फर्टिलाइजेशन हो गया है श्रेया कैरी इंप्लांट परमानेंट है टेंपरेरी श्रेया जो इंप्लांट है वो भी टेंपरेरी है तीन साल पांच साल तक इम्प्लांट काम करते हैं उसके बाद सर्जरी करके निकालने पड़ेंगे ऑब्वियस ही बात है लाइक का बटन जरूर प्रेस करते रहिए आपके लाइक्स मेरे लिए एनर्जी का काम करते हैं ओके जी सो कहां कहां आ, चेक पॉइंट्स हैं जहां पे हम ये चीज देख सकते हैं कि भाई कॉन्ट्रोसेप्शन कराना है ओवुलेशन को रोक दीजिए फर्टिलाइजेशन ना होने दीजिए फर्टिलाइजेशन हो गया तो इम्प्लांटेशन नहीं होने दीजिए तो अलग अलग लेवल्स पे जो है कॉन्ट्रोसेप्शन काम करता है अब मेल के केस में तो एक ही बात है भैया यहाँ तो स्पर्म जो है वो इस तरह से ब्लॉक कर दिए जाए कॉन्डम लगा लिया जाए ड्यूरिंग सेक्शुअल इंटरकोर्स कि सीमेंट डिपॉजिट ही ना हो स्पर्म की प्रोडक्शन को रोक पाना तो बड़ा मुश्किल है मिलियंस में स्पर्म्स बनते हैं तो अगर एक आधा भी बच गया तो वो फर्टिलाइजेशन कर देगा इसीलिए आप देखेंगे ज्यादातर फीमेल्स के लिए होते हैं बिकॉज फीमेल एक ही ओवा एक ही एक सेल बना रही है एक साइकिल में टू सप्रेस द प्रोडक्शन ऑफ वन एग इज क्वाइट इजी एज कंपेयर टू सप्रेशन ऑफ मिलियंस ऑफ स्पर्म्स गॉट इट दूसरी बात फीमेल के केस में वाइडर ऑप्शन हमें मिल जाता है कॉन्ट्रोसेप्शन का ओवुलेशन पे टारगेट कर दीजिए फर्टिलाइजेशन पे कर दीजिए इंप्लांटेशन पे कर दीजिए मेल के केस में ऐसा नहीं है बड़ी लिमिटेशन है एंड एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है दैट अल्टीमेटली इट इज द फीमेल हु विल गेट प्रेग्नेंट

पवन मोहम्मद परवेज आयुष वृति मानसी शर्मीन सोनू ये बात आपको समझ आई कि मेजोरिटी ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फीमेल के लिए क्यों होते हैं एग्री करते हैं आप मुझसे राइट अप साइन भेजिए मुझे एक बार जल्दी से वंडरफुल जी ग्रेट सुनो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के कुछ फीचर्स होते हैं भाई जो आइडियल कॉन्ट्रोसेप्टिव जैसे आप कह रहे हैं इट शुड नॉट इंटरफेयर विद द सेक्सुअल एक्ट सेक्सुअल प्लेजर से उसे इंटरफेयर ना करे वो और किसी तरह से सेक्सुअल ड्राइव सेक्सुअल डिजायर से इंटरफेयर ना करे आसानी से उपलब्ध होना चाहिए सस्ता भी होना चाहिए इफेक्टिव भी होना चाहिए पॉकेट के ऊपर ज़्यादा बोझ ना हो भैया इतना महंगा ना हो तो इंडियंस नहीं खरीदेंगे यूजर फ्रेंडली होना चाहिए कोई रॉकेट साइंस नहीं होनी चाहिए है ना और वो रिवर्सिबल भी होना चाहिए उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ही कम हो या बिल्कुल ना हो अब दुर्भाग्यवश ऐसा है कि देर इज नो सच कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड अवेलेबल जिसे आप आइडियल कह दे कोई आइडियल है ही नहीं सोनू बेटा अब्दुल बेटा नो कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड इज आइडियल चलो अब हम कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड के टाइप जरा जल्दी से देख लेते हैं सर्जिकल मैथड होते हैं ब्रॉडली हम ये भी कह सकते हैं कि भाई टेम्परेरी मैथड और जो सर्जिकल वाले हैं ये वाले तो परमानेंट मैथड हो जाएंगे जिसमें हम वैसे और ट्यूबेक्टॉमी की बात करेंगे इज इट क्लियर जी चलो तो डिस्कस करते हैं जल्दी से नेचुरल मेथड्स में इसमें आपको किसी किस्म का केमिकल या फिजिकल कोई भी इक्विपमेंट इस्तेमाल नहीं करना बस ओवम और स्पर्म को मिलने नहीं देना तो इसके क्या क्या तरीके जो है हो सकते हैं थैंक यू जी राजपूत जी कह रहे हैं आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं थैंक्स बेटा नेचुरल मेथड बेटा तीन होते हैं एनसीआरटी जो आपको बताती है पीरियडिक एब्स्टिनेंस जिसे हम रिदम मेथड भी कहते हैं क्वाइटस इंटररप्टस जिसे हम विड्रॉल मेथड भी कहते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड जिसे हम लैम एलएएम भी कह देते हैं जिसमें कि मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है ये तीनों ही नेचुरल मेथड्स हैं समझ लीजिए क्या क्या है पीरियडिक एब्स्टिनेंस एब्स्टिनेंस का मतलब होता है स्टे अवे दूर रहिए

सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होना चाहिए अगर 28 दिन का साइकिल है तो डे 14 पे ओवुलेशन होता है इससे एक दो दिन पहले और इससे एक दो दिन बाद ये वाला जो ड्यूरेशन आ जाता है अराउंड द ओवुलेटरी पीरियड ये सबसे क्रिटिकल है सबसे क्रूशियल है जब गर्भावस्था के मैक्सिमम चांसेस होते हैं तो आयुष ने सादी भाषा में लिख दी है अवॉइड क्वटटस ड्यूरिंग फर्टाइल पीरियड ऑफ द फीमेल बिल्कुल सही कहा तो एनसीआर वो पीरियड हमें बताती है दैट इज डे टेन टू डे सेवेंटीन ऑफ द मैंट्रल साइकिल इस पे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है ओवुलेशन में अकर ड्यूरिंग दिस पीरियड और अगर इसको इफेक्टिवली फॉलो किया जाता है तो 80 से सतासी प्रतिशत इसमें सफलता मिल जाती है लेकिन लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं इट इज नॉट 100 परसेंट एक्यूरेट ओवुलेशन का दिन आप 100 परसेंट एक्यूरेसी के साथ ढूंढ पाए ये जरूरी नहीं होता उसके लिए तो हमें अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग करके पता करना पड़ेगा कि फॉलिकल का साइज कितना हुआ है ठीक है जी सो एक्चुअल टाइम ऑफ ओवुलेशन कैन नॉट बी प्रोडिक्टेड इट इज रियली डिफिकल्ट हाँ ये जरूर होता है ओवुलेशन के दिनों के आसपास ना फीमेल का जो बॉडी टेम्परेचर है ना वो बढ़ जाता है हल्का सा शरीर का तापमान फीमेल को बढ़ा हुआ महसूस होता है बिकॉज ऑफ प्रोजेस्टिरोन हॉर्मोन कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टिरोन बनाता है ना तो प्रोजेस्टिरोन का थर्मोजेनिक इफेक्ट होता है जिसके कारण बॉडी टेम्परेचर ओवुलेशन के दिनों में आसपास हल्का सा बढ़ जाता है एक फीमेल खुद भी ये जान सकती है कि ओवुलेशन कब हो रहा है जब उसके मैंसिस का पहला दिन होना स्टार्टिंग फ्रॉम डे वन ऑफ द साइकिल वो अपने शरीर का तापमान नोट करे है ना जैसे ही सुबह नींद खुले अपने मुंह में थर्मामीटर डाल लो डे वन ऑफ द साइकिल से और नोट करते रहो कि भैया शरीर का तापमान कितना है रेगुलरली अगर वो तापमान अपना नापती रहेगी ना तो ओवुलेशन के दिनों के आसपास उसे लगभग डेढ़ डिग्री के करीब एक डेढ़ डिग्री के करीब तापमान अपना ज्यादा मिलेगा सो दैट इज द डे ऑफ ओवुलेशन दूसरा मैथड क्या है क्विटस इंटरप्टस इसे विड्रॉल मैथड भी कहते हैं

है, बट इट रिक्वायर्स वेरी हाई डिग्री ऑफ सेल्फ कंट्रोल फिर male को इस चीज के ऊपर बड़ा self -control होना चाहिए कि भाई body symptoms देती है, उसे पता चलने वाला जी राइट नाउ एफिशिएंसी इसकी भी ठीक है अस्सी से छियानवे नाइनटी सिक्स परसेंट तक राइट right जी लेकिन अब इसका ड्रॉबैक क्या है देखो एक्चुअल इजेक्यूलेशन से पहले भी मेल का जो लुब्रिकेटिंग से रिलीज हो रहा है उसमें भी कुछ वाइबल स्पर्म हो सकते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन करा पाए राइट right, जी मेल विड्रॉज द पीनस फ्रॉम द विजाइना बिफोर इजैक्यूलेशन एंड इंसेमिनेशन नहीं होना चाहिए इज इट क्लियर जी इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू क्वाइटस इंटरप्ट राइट क्वेश्चन आ सकता है सादी भाषा में बताता हूं लेक्टेशन का मतलब क्या है बच्चे के जन्म के बाद जब मदर बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है स्तन पान करा रही है तो इंटेंस लेक्टेशन के लिए एक हॉर्मोन का लेवल जो है वो ज्यादा होना चाहिए आप जानते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोलेक्टेन हॉर्मोन आता है Is for the of the milk. Milk करा रहे। लेकिन यही प्रोलेक्टिन जो है इसका असर ये होता है कि एल एच को भी कम कर देता है और एफ एस एच को भी कम कर देता है प्रोलेक्टिन सप्रेसिसन जब तक प्रोलेक्टिन का लेवल काफी ज्यादा है तो ओव्यूलेशन नहीं होता ठीक है तो सादी भाषा में कह दो जब तक बच्चा पैदा होने के बाद एक माँ अपना मिल्क अपना दूध बच्चे को पिला रही है तब तक वो प्रेग्नेंट नहीं होती है जनरली लेकिन इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है बहुत केसेस में हमने देखा है कि दो महीने हुए अभी पहला बच्चा पैदा हुए और मदर ब्रेस्ट फीडिंग भी करा रही है और तब भी वो गर्भवती हो गई क्योंकि हो सकता है उसमें इंटेंस इंटेंसलेक्टेशन ना हो उतना ज्यादा प्रोलेक्टिन का लेवल हाई नहीं गया है कि एल और एफ को सप्रेस करे तो उसमें ओवुलेशन हो गया ठीक है जी तो हमने ज्यादातर केसेस में ये देखा है सिक्स मंथस पोस्ट पार्टम पोस्ट पार्टम का मतलब क्या होता है बच्चे के जन्म के बाद के छह महीने जो है ना जब तक एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड मदर करा रही है और लेक्टेशन हो रहा है तो जनरली uh, वो प्रेग्नेंट नहीं होती है ठीक है लेकिन हो भी सकती है आयुष शिवा कह रहे हैं सर अब डिटेल्स में पढ़ना जरूरी है या नहीं जो आप क्रैश कोर्स में पढ़ा रहे हो वो पढ़ना है जो मैं क्रैश कोर्स में करा रहा हूं ये इनफ है इतना अच्छे से नेक नियत के साथ पढ़ लोगे ना ट्रस्ट मी सारे क्वेश्चन नीट में कर पाओगे आप लोग मेरा भी 23 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है उसी एक्सपीरियंस के आधार पे ये लेक्चर्स पूरे डिजाइन करे गए हैं आपके लिए तो लेक्टेशनल एमेनोरिया जो है इट इज इफेक्टिव ओनली अप टू सिक्स मंथ्स फ्रॉम पार्चुरेशन बट इट इज नॉट इफेक्टिव इक्वली इन ऑल द फीमेल्स क्योंकि सब में इंटेंस लेक्टेशन हो ये जरूरी नहीं होता सो दोज वर नेचुरल मैथड्स तीन तरह के नेचुरल मैथड्स हमने पढ़े रिदम मेथड पीरियोडिक एब्सटीनेंस या कैलेंडर मेथड उसके बाद क्वाइटस इंटरप्टस या विड्रॉल मेथड और तीसरा हमने अभी अभी देखा है कौन सा वाला मेथड लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड राइट मेरे बच्चे चलो आगे बढ़ते हैं बैरियर मेथड बैरियर मेथड्स कहते हैं कि भाई ओवम और स्पर्म को मिलने नहीं देंगे ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स वो बैरियर्स क्या क्या हो सकते हैं बैरियर मेथड आयुष बेटा कई तरह के हो सकते हैं कॉन्डम्स हो सकते हैं डायफ्राम हो सकते हैं कॉन्डोम्स मेल के लिए भी अवेलेबल हैं आजकल फीमेल के लिए भी अवेलेबल हैं सो दे कैन बी डायफ्राम देर कैन बी सर्वाइकल कैप्स देर कैन बी वॉल्ड्स सो प्लीज़ रिमेंबर दैट कॉन्डम्स आर अवेलेबल फॉर फीमेल्स एज वेल एज फॉर मेल्स फीमेल कॉन्डम के लिए फेमिडॉम जो है ये एग्जाम्पल है ध्यान रखिएगा इंडिया में इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं है फीमेल कॉन्डम्स दे आर कॉस्टली आल्सो लेकिन ये अवेलेबल हैं सो so, देख लीजिए कॉंडम्स अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिर्फ मेल के लिए होगा नो दीस आर फॉर फीमेल्स आल्सो रिवर्सिबल मेथड है ये थिन रबर या लेटेक्स से बने होते हैं दे आर यूज्ड बिफोर क्वाइटस एंड प्रिवेंट रिलीज ऑफ सीमेन इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट कंडम्स जो है दे प्रोवाइड ड्यूअल सेफ्टी ड्यूअल सेफ्टी से क्या मतलब है दीस प्रिवेंट अगेंस्ट प्रिवेंट अगेंस्ट Sexually transmitted infections also. STIs. Sexually transmitted diseases. Yes, yeah sexually transmitted infections A B A.

ट्रैक्ट इज दैट क्लियर कॉन्डम्स केस में मैंने आपको बताया था जो ब्रांड uh, है Nirod, ये लिखा ना निरोध इंडिया ऑफ कॉस्ट इट द गवर्मेंट हेल्थ सेंटर्स कई तरह के कॉन्डम्स आजकल बाजार में उपलब्ध हैं आपने कई अलग अलग ब्रांड्स भी सुने होंगे कामासूत्रा के नाम से है देन देयर इज मैन फोर्स देटमेनी दे आर डिफरेंट विद डिफरेंट फ्रेग्रेसिस ऑल्सो

डायफ्राम सर्वाइकल कैप एंड वॉल्ट डायफ्राम जो है ना ये फीमेल के लिए होता है डायफ्राम एक ऐसे रबर कैप लाइक स्ट्रक्चर है विद अ मेटेलिक रिम डायफ्राम जब पहली बार लगाना है विजिट टू द डॉक्टर और टू द क्लिनिक इज रिक्वायर्ड और वहां पे डॉक्टर या हेल्थ वर्कर या नर्स जो है फीमेल के सर्विक्स का साइज जो है मेजर करके फीमेल को बोलेगी कि भाई इस साइज का डायफ्राम आप केमिस्ट से बाजार से खरीद लीजिए पहली बार कैसे लगाना है डॉक्टर यह सिखा देगी है ना सो so, डायफ्राम लगाना कब है सोनू बेटा सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले वजाइना के थ्रू इंट्रोड्यूस कर लेना है और डायफ्राम जो है वो किसको कवर कर देगा सर्विक्स को कवर कर देता है नहीं जी और सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाने के इमीडिएटली बाद डायफ्राम नहीं निकाल देना थोड़ा समय तक जो है डायफ्राम को अंदर पड़े रहने देना होता है ताकि

कि विजाइना को वॉश कर दिया जाए और सीमेंट को बाहर निकाल दिया जाए रिपीटेडली ऐसा करना विजाइनल वॉशिंग करना डूशिंग कहते हैं इसे ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं वॉट इज डूशिंग इट इज इमीडिएट पोस्ट क्वाइटल वॉशिंग ऑफ द विद अ विद्रॉन्ग जेट ऑफ वॉटर और सम साइडल सोल्यूशन तो बार बार ऐसा करना गलत है बिकॉज ये विजाइना के पीएच को डिस्टर्ब कर देता है और विजाइनल पीएच डिस्टर्ब होगा तो इन्फेक्शन के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं डायफ्राम पे वापस लौटते हैं इट इज इंसर्टेड इंटू फीमेल रिप्रोडक्टिव बिफोर द ट्रैकर्स इट नीड टू बी इंसर्टेड बीजीस्ट फॉर आवर्स आवर्स आफ्टर राइट जी six hours तो चलो थोड़ा ज्यादा हो गया लेकिन कुछ समय तक जो है वो डायफ्राम अंदर रहने देना चाहिए और उसके बाद जो है उसे निकालना इट ब्लॉक्स एंट्री और ये वाली बात हटा दीजिए सिक्स आवर्स इज टू मच इतनी देर तक रखने की जरूरत नहीं होती ब्लॉक ऑफ एंट्री दे ब्लॉक द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विक्स डायफ्राम रीयूजल होता है एक बार डायफ्राम यूज कर लिया उसे निकाल करके धो करके वापस उसके ढक्कन में बॉक्स में रख देते हैं और फिर दोबारा यूज कर लिया जाता है डायफ्राम शुड नॉट बी शेयर्ड विद अदर फीमेल्स बिकॉज जाते के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं सोनू कुमार स्पर्म के स्पेलिंग तुमने गलत लिखे हैं आगे बढ़ू जी समझ आ गया इतना कैन ए प्रोसीड ओके एक बार चैट बॉक्स में जरा ढेर सारे फूल भेजिए मुझे फ्लावर्स वेरी गुड जी मैं सब बच्चों को बता दूं आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा अपने डाउट्स के लिए स्टडी मटेरियल के लिए दैट इज डॉक्टर सचिन कपूर टॉक इसके अलावा हमारा बायो की रणनीति का टेलीग्राम ग्रुप भी है आकाश बायोजूस का अपना टेलीग्राम ग्रुप है नीट आकाश डिजिटल यू कैन ज्वाइन दैट ऑल्सो थैंक यू सो मच जी आयुष पिजा भेज रहे हैं मुझे आगे बढ़ते हैं केमिकल कॉन्ट्रोसेप्टिव की तरफ जिसमें कि भाई हॉर्मोनल या नॉन स्टेरॉयडल ये हो सकते हैं शायद इंटरनेट की वजह से स्लो डाउन हो गया है सिस्टम कैन यू सी मी कैन यू हियर मी क्लियरली बॉक्स में बता दीजिए जल्दी से नाउ हार्मोनल कॉन्ट्रोसेप्टिव में हम बात करते हैं लैग हो गया अब ठीक हो गया इट्स ओके नाउ हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव में ना मेनली क्या होता है स्टेरॉयडल पिल्स की अगर मैं जिक्र करूँ फीमेल्स के लिए जो पिल्स होती हैं हम ओ भी कहते हैं ना ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स सो ऐसी पिल्स भी हैं जिसमें सिर्फ प्रोजेस्टिरोन है पॉप्स कहते हैं उन्हें या मिनी पिल भी कहते हैं ओनली प्रोजेस्टिरोन वाली पिल या प्रोजेस्टिंगन और ईस्ट्रोजन की कॉम्बिनेशन वाली पिल्स भी होती हैं ठीक है जी कई तरह की पिल्स बाजार में आती हैं तो फीमेल जब डॉक्टर के पास जाएगी डॉक्टर कंसल्ट करेगी उससे तो फिर वो डॉक्टर ही डिसाइड करेगी कि कौन सी पिल उसके लिए सबसे सूटेबल रहेगी मणि ने सही कहा है मिनी पिल और कंबाइंड पिल सो पिल हैज टू बी टेकन डेली स्टार्टिंग फ्रॉम फिफ्थ डे ऑफ द साइकिल टिल ट्वेंटी फिफ्थ डे मान लो डे वन ऑफ द साइकिल दिस इज डे ट्वेंटी साइकिल पिल हैज टू बी टेकन डेली स्टार्टिंग फ्रॉम डे ऑफ द साइकिल टिल ट्वेंटी फिफ्थ डे पाँचवें दिन गोली खाना शुरू करना है और उसको पच्चीसवें दिन तक खाना है तो मतलब टोटल इक्कीस दिन तक गोली खानी है ठीक है और फिर उसके बाद छब्बीस डे ट्वेंटी सिक्स को गोली नहीं खानी डे ट्वेंटी सेवन को नहीं खानी डे ट्वेंटी एट को नहीं खानी डे वन को नहीं खानी डे टू को नहीं खानी डे थ्री को भी नहीं खानी डे फोर को भी नहीं खानी तो कितने दिन नहीं खानी एक दो तीन चार पांच छह सात सेवन डेज तक मतलब वन वीक तक गोली नहीं खानी और तीन हफ्ते यानी इक्कीस दिन तक गोली खानी है तो हम सादी भाषा में कह देते हैं महेंद्र बेटा फॉर थ्री वीक्स शीज ऑन द पिल एंड फॉर वन वीक इज ऑफ द पिल राइट जी अब ध्यान रखना अब यही बात होती है कि जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो इस बात का ध्यान रख पाएंगी कि आज उनके साइकिल का कौन सा दिन है कौन सा नहीं गांव देहात में इतना ध्यान नहीं रख सकती फीमेल जो पढ़ी लिखी नहीं है उन्हें ये ध्यान ही नहीं रहेगा कि भैया कौन सी तारीख है आज गोली खानी थी कि नहीं खानी थी द पिल हैज टू बी टेकन एट अ डेफिनेट टाइम टाइम वेरी नहीं करना अगर पहले दिन गोली खाना जब शुरू करा है रात के दस बजे गोली खाई है तो अगले दिन भी रात के दस बजे ही खानी है ठीक है जी टाइम वेरिएशन नहीं करना होता अगर एक पर्टिकुलर दिन पे इफ शी फॉरगेट्स टू टेक पिल ऑन वन पर्टिकुलर नेक्स्ट डे शी कैन टेक टू पिल्स एट द सेम टाइम बट शी शी फॉरगेट्स फॉर टू कॉन्जिक्यूटिव डेज अगर दो दिन लगातार गोली खाना भूल जाए तो देन शी इज नो लॉन्गर सेफ फिर उस पर्टिकुलर साइकिल के लिए गोली खाने की रूटीन तो बनाए ही रखना है लेकिन साथ के साथ कोई और कॉन्ट्रसेप्टिव मेथड फॉलो करना पड़ेगा चाहे कॉन्डोम या डायफ्राम ठीक है जी अगर गोली खाना दो दिन लगातार भूल गए तो पिल्स में बेसिकली हार्मोन्स हैं स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं स्टेरॉइड का लेवल अगर ज्यादा रहेगा तो शरीर के अंदर एलएच और एफएसएच डाउन हो जाएगा तो प्रोजेस्टोजन विच इज अ सिंथेटिक फॉर्म ऑफ प्रोजेस्टेरोन इनहिबिट्स ओव्यूलेशन एंड इंप्लांटेशन दिस इज इंपॉर्टेंट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स फीमेल्स के लिए हैं मेल्स के लिए बहुत समय पहले एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो है वो बनाई गई थी गोसिपॉल के नाम से गोसिपियम कॉटन सीड ऑयल से चाइना में लेकिन वो मेल पिल चल नहीं पाई बिकॉज अलॉन्ग विथ सप्रेसिंग स्पर्म प्रोडक्शन वो पिल जो थी इट ऑल्सो सप्रेस दफ टेस्टोस्टिड हॉर्मोन

पिल्स जो है गांव देहात में इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं है अगर मैं आपको बताऊं इंडिया का अगर पूछा जाए थ्रू आउट इंडिया सबसे पॉपुलर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन आईयूडी जेंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस कॉपर टी सरकारी अस्पतालों में कॉपर टी मुफ्त में भी लगाया जाता है रूरल इंडिया की भी अगर हम बात करूं तो कॉपर टी है शहरों के केस में सोनू मानसी सुप्रजा जो अर्बन फीमेल्स हैं शहरी महिलाएं हैं जो पढ़ी लिखी हैं उनके लिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है वो ज्यादा पॉपुलर मेथड है लेकिन पिल्स की भी कई लिमिटेशंस हैं कई केसेस में हम पिल नहीं दे सकते पेशेंट को अगर कैंसर की कोई हिस्ट्री रही है उसके परिवार में बिकॉज कई केसेस में देखा गया है ईस्ट्रोजन प्रमोट्स द माइटोटिक डिविजन और अगर अनकंट्रोल्ड माइटोसिस होगा तो कैंसर हो सकता है राइट जी इसके अलावा अगर वो लेटेटिंग है अगर वो अपने पहले बच्चे को अपना मिल्क दे रही है तो हम उसे स्टेरॉयड वाली पिल नहीं दे सकते माँ के दूध के जरिए स्टेरॉयड हार्मोन बच्चे तक पहुंच

श्रावरी मोहम्मद परवेज महेंद्र मोहम्मद परवेज आप अपने स्कूल में अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में मेरे लेक्चर प्रमोट करते हैं ना सब लोग यही आपकी तरफ से गुरु दक्षिण है हमारे लिए चैनल सब्सक्राइब करके रखना है आइकन हिट करके रखनी है आँ...

इंजेक्शन में एक इंजेक्शन का नाम बता रहा हूं डेपो प्रोवेरा, क्लियर है ना अब ये इंजेक्शन भी कई जगहों पे बैन है इंजेक्शन में ही होता था तीन महीने में एक बार जाकर के डॉक्टर के पास इंजेक्शन लगवा लीजिए प्रोजेस्टिरोन का लेवल ज़्यादा रहेगा और अगर प्रोजेस्टिरोन का लेवल ज्यादा है तो उसके कारण एल एच एफ एस एस डाउन रहेगा तो ओवुलेशन नहीं होगा फिर से लैग हो रहा है वेट, वेट 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 हम कोशिश करते हैं जी ठीक करने की वेट वेट कीजिएगा अभी हम इस समस्या का समाधान कर देते हैं थोड़ा सा इंतजार कीजिए अभी 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 ठीक करते हैं इस समस्या को हाँ जी इज इट स्टिल बफरिंग लैग हो रहा है अभी भी हाँ जी वेट कीजिए चेक करते हैं इंटरनेट कनेक्शन क्या समस्या है बने रहिएगा आप हमारे साथ आ, आवाज नहीं आ रही है नो नहीं चल रहा बहुत से बच्चे कह रहे नहीं चल रहा है वेट कीजिए अभी ठीक करते हैं समस्या का समाधान करते हैं वेट 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 चिंता मत करो चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ ही हूं ठीक <laughs> कर देते हैं अभी से समस्या को वेट करो ऑल मई राज है अब, अब देखिए इज इट क्लियर नाउ कैन यू पीपल सी मी कैन यू hear मी ओके है अब आप मुझे सुन पा रहे हैं देख पा रहे हैं तो एक बार मुझे बता दीजिए चैट बॉक्स में ओके ओके वेरी गुड वेरी गुड माफ कीजिएगा बीच में थोड़ी सी समस्या हुई थी राइट सो नाउ इट्स क्लियर वेरी गुड वेरी गुड चलो थैंक गॉड भाई सब ठीक हो गया है गुड 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 बेचारे कितने बच्चे भाग गए क्लास छोड़ के कोई बात नहीं लौट आएंगे अभी ठीक है तो हम ये जिक्र कर रहे थे चलो मैं पीछे बता देता हूँ वापस जाके मैं आपको क्या बता रहा था कुछ छूटा नहीं है आप चिंता मत कीजिए हम ये जिक्र कर रहे थे ना ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है स्टीरोडल पिल्स होती हैं है, है ना राइट right? और बहुत सी पिल्स ऐसी भी हैं जो नॉन स्टेरयल है सहेली पिल जैसे हम जिक्र करेंगे अभी आगे तो पिल जो है वो रोज़ाना लेनी है रोज रोज गोली लेनी है तो फीमेल भूल भी सकती है गोली लेना समस्या है ये तो इसलिए डॉक्टर्स ने सोचा क्यों ना भाई हम इसको हार्मोन को इंजेक्शन की फॉर्म में भर दें तीन महीने में एक बार या छः महीने में एक बार जो है यस यू कैन आस्क यू डाउट छः महीने में एक बार जो है इंजेक्शन लिया जाएगा और उससे काम चल जाएगा प्रोजेस्टिरोन का ही कॉम्बिनेशन है ईस्ट्रोजन का लिखा ना डेपोप्रवेरा के नाम से तो वंस इन थ्री मंथ्स, लेकिन खुद नहीं लगा सकते ये इंजेक्शन के लिए डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा बहुत सी फीमेल्स में देखा गया कि इंजेक्शन दे देने के बाद तीन महीने तक मैंट्रेशन ही नहीं होगा मैंट्रोल साइकिल ही अगर नहीं होगा तो भाई फीमेल को पता कैसे चलेगा कि कहीं वो प्रेगनेंट तो नहीं हो गई है इसलिए ये मेथड भी इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है अब हर तीन महीने छह महीने में डॉक्टर के पास जाओ इंजेक्शन लगवाओ उससे भी एक बेटर ऑप्शन वैज्ञानिकों ने निकाला कि क्यों ना हार्मोन को शरीर के अंदर किसी चीज में भर के इम्प्लांटी कर दिया जाए तो छोटे छोटे मैचिस की तीली के साइज जितने मैच स्टिक साइज रॉड्स ऑफ प्लास्टिक और अदर इनर्ट मटीरियल कंटेनिंग अ फॉर्म ऑफ द हॉर्मोन प्रोजेस्टिड दैट इज इटोनोजेस्ट्रल राइट सिंथेटिक फॉर्म है ये भी कि भाई कैप्सूल की फॉर्म में भरा और जनरली लेफ्ट आर्म की फीमेल के लिए ये भी ध्यान रखिएगा लेफ्ट वाली जो बाजू है अपर आर्म में अंदर की तरफ एक माइनर सर्जरी करके ये छोटे छोटे कैप्सूल फिट कर दिए जाते तीन साल तक की छुट्टी लेकिन कई कंप कई कंट्रीज में ये बैंड है क्योंकि भाई तीन साल तक अगर मैनस्ट्रेशन ही नहीं हुआ तो ये तो गड़बड़ है टू मैं राइट ऑफ द फीमेल आप कोई भी मैथड ऐसा नहीं डेवलप कर सकते menstruation रुक जाए। क्योंकि फीमेल को खुद भी पता ही नहीं चलेगा ना कि कहीं वो प्रेगनेंट हो गई है या नहीं हो गई। तो इसकी एक एग्जाम्पल है नॉर प्लांट. प्लांट बनाया हुआ है और इसके अलावा इम्प्लान्पल इज इम्प्लानी कंट्रीज दीज आर बैन ठीक है रिंकी आयुष मानशी राइट वेरी गुड जी और फिर अच्छा ये भी बता दूं ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है और ये सर्जरी करके फिर दोबारा वापस भी निकालने पड़ेंगे और कई बार ऐसा हो जाता है बेटा कि जैसे तीन साल पहले आपने किसी पेशेंट की सर्जरी करके ये लगाए थे और तीन साल बाद वो पेशेंट निकलवाने के लिए आएगी आपके पास इनके चारों तरफ इतना ज्यादा फाइब्रोब्लास्ट फाइब्रस टिश्यू बन चुका होता है कि इसे निकाल पाना ही मुश्किल हो जाता है क्लियर है जी चंद्रप्रकाश उपाध्याय इस सवाल का मैं जवाब करोड़ों बार दे चुका हूं एनसीआरटी में गलत लिखा है यार मुंह में तीन पर, परसेंट से पांच डाइजेस्ट होता है बकल कैविटी में तीस परसेंट नहीं होता नहीं होता नहीं होता कितनी बार इस बात को मैं क्लियर करूं गलत लिखा है एनसीआरटी में ये गाइटन की फिजियोलॉजी की किताब उठा करके देख लीजिए जो एमबीबीएस में आप पढ़ेंगे बकल कैविटी में ओनली थ्री टू फाइव ऑफ स्टार्च इज डाइजेस्टेड खाना चबाते ही कितनी देर के लिए दो तीन बार चबाया और निकल लिया बस इतनी कम देर में तीस परसेंट स्टार्च डाइजेस्ट हो जाएगा क्या इट इज नॉट पॉसिबल ठीक है जी रोहित क्लियर है राइट चल वेरी गुड नाउ कुछ कंट्रीज में ये भी चलते हैं स्किन पैचेस कॉन्ट्रासेप्टिव पैचेस होते हैं चमड़ी पे लगा लिए फीमेल के लिए ये भी ट्रांसडर्मल पैच अप्लाइड टू द स्किन ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टिडन का कॉम्बिनेशन है लेकिन ये पैच फिर आपको हर महीने ही बदलना पड़ेगा ठीक है कृष्णा इट इज नॉट अ पॉपुलर मैथड इन इंडिया इंडिया में नहीं चलेंगे सब वेजाइनल रिंग्स भी इंडिया में पॉपुलर नहीं है स्मॉल फ्लेक्सीबल सॉफ्ट प्लास्टिक रिंग है जो रिलीज करता है ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टिडन कॉम्बिनेशन है वेजाइना में लगा दिया जाता है ये रिंग ठीक है जी अल्टीमेट मकसद यही है कि हॉर्मोन को शरीर में पहुंचाना है किसी भी तरह से गोली की फॉर्म में स्किन पैच की अंदर भरके इम्प्लांट में इंजेक्शन के थ्रू सो हार्मोन शरीर में जाना चाहिए इज इट क्लियर जी राइट right? महकदीप का कहना है कि आप एनसीईआरटी में जो जो मिस्टेक्स हैं उस पर लेक्चर जरूर लेना बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली मैं नीट से पहले पहले एक लेक्चर आपके लिए लेकर के आऊंगा कि एनसीईआरटी में गलतियां क्या क्या हैं राइट right जी शिवानंद कह रहे हैं मेहनत इतनी करो कि तुम्हें हराने के लिए कोशिश नहीं बल्कि साजिश करनी पड़े ये बड़ी खूबसूरत बात कही है मैं भी अपने में कई बार बात बोलता हूं हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव के ड्रॉबैक्स भी हैं कुछ फीमेल्स में मूड स्विंग्स होते रहते हैं डिप्रेशन की समस्या देखी गई है वजन बढ़ जाता है ब्रेस्ट में टेंडरनेस आ जाती है पीरियड इेगुलर हो जाते हैं विजाइना में इरिटेशन इन्फ्लेमेशन और ये पिल्स लेने से सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से तो कोई राहत नहीं मिल रही वो तो केवल कॉन्डम्स के थ्रू ही मिलेगी कुछ फीमेल्स में सेक्स ड्राइव लो देखी गई है माइग्रेन और नोजिया की समस्या भी देखी गई है तो इसीलिए सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने सी नॉन आर पिल बनाई जिसका नाम है सहेली सहेली जो है वो छाया के नाम से भी बाजार में उपलब्ध है वर्ल्ड्स फर्स्ट एंड ओनली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ये ध्यान रखना डेवलप्ड एट द सी लखनऊ दिस इज इंपॉर्टेंट इट मॉडिफाइज ईस्ट्रोजन रिसेप्ट इन द इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन है इट हैज सेंटक्रोमैन राइट

ये पूछ सकते हैं ये ओवुलेशन को नहीं रोकती इट प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन इट प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन राइट जी क्लियर है कमलेश कमलेश को न्यूक्लिक एसिड याद आ रहे हैं पता नहीं कहां से मैं पढ़ा क्या रहा उनका याद क्या आ रहा है चलो ग्रेट अच्छा स्पर्मी साइडल क्रीम्स भी आती है बाजार में स्पर्मी क्रीम्स जेली राइट जी स्पर्मिसमिकल फॉर्मुलेशन फॉर टॉपिकल एप्लीकेशन सो में 9 होता है एप्लीकेशनो राइट इट इज अवेलेबल इन द मार्केट इन द फॉर्म ऑफ क्रीम्स डेल्फन क्रीम आती है तो ये वे, आ, इरेक्ट पीनस के ऊपर जब कॉन्डम लगा लिया जाए उसके बाद ये लगाई जा सकती है क्रीम वेजाइना में अप्लाई की जा सकती है हा एक्सेसिव लुब्रिकेशन जरूर हो जाती है इससे स्पर्म तो को किल करती है ब्लॉक्स द सर्विक्स एंड एंट्री ऑफ स्पर्म्स इनटू द यूट्रस स्पर्म की मूवमेंट को भी स्लो डाउन कर देती है स्पर्मिसाइडल क्रीम्स आर अप्लाइड डीप इन द विजाइना एंड सर्विक्स से लगभग एक घंटा पहले लगा लिया जाता है नॉट टू बी वॉश इमीडिएटली आफ्टर द सेक्सुअल इंटरकोर्स राइट क्लियर है जी ठीक है ओके ड्रॉबैक्स इसमें भी कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन से तो कोई राहत नहीं मिल रही है है ना

ठीक है जी लो टेस्टोस्टेरोन हो जाता है इससे टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली मेल फिजियोलॉजी प्रभावित होगी सो मेल्स दे रिफ्यूज्ड टू टेक दिस पिल कॉन्ट्रासेप्टिव जेल्स भी इन इनपे भी काम चल रहा है मेल कॉन्ट्रासेप्टिव जेल पे जेल कंटेनिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टिन एंड टेस्टोस्टेरोन इट स्टॉप्स द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म

ये बात मैंने आपको बताई थी कि भैया इतने ज्यादा स्पर्म्स जो है वो बन रहे हैं टेस्टिज में डिफिकल्ट टू सप्रेस द प्रोडक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ स्पर्म्स एंड फीमेल केस में एक ही ओवा बन रहा है सो so ये कंपैरेटिवली आसान है टू सप्रेस द प्रोडक्शन ऑफ वन ओवा एज कंपेयर टू मिलियंस ऑफ स्पर्म्स एंड फीमेल केस में एक वाइडर ऑप्शन है ओवुलेशन पे फर्टिलाइजेशन पे इम्प्लांटेशन पे इन सब जगहों पे हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड टारगेट कर सकते हैं नेक्स्ट आती है आई यू डी डि आई यू सी डी भी कहते हैं इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। जिसमें ऐसी डिवाइसेस भी हैं जिसमें कोई भी दवाई नहीं है नॉन मेडिकेटेड आई यू जैसे लिपिज लूप है कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज़ होती हैं जैसे कॉपर टी कॉपर सेवन मल्टीलोड थ्री सेवेंटी फाइव हॉर्मोन कंटेनिंग आईयूडीज़ होती हैं प्रोजेस्टा सर्ट हो गया जैसे एल एन जी ट्वेंटी हो गया दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट मी टेल यू ये लिपिज पे क्वेश्चन नीट ट्वेंटी ट्वेंटी टू में पूछा हुआ है स्मॉल बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस प्लेस्ड इन द यूट्रस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी नाउ ये यूट्रस में लगा दी जाती है अपने आप नहीं लगा सकते डॉक्टर या हेल्थ वर्कर या नर्स ही इसको लगाएगी नॉन मेडिकेटेड आईयूडी में लिपीज लूप है लिपीज लूप इंडिया में पॉपुलर नहीं है लेट मी टेल यू मैं आपको बता दूं कि इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है नीट ट्वेंटी ट्वेंटी टू एग्जाम में क्वेश्चन पेपर निकाल करके इश्तियाक अहमद देख लीजिएगा

है ना बेतुकी सेंसलेस वाहयात बातें मत कीजिए पढ़ाई पे फोकस कर लीजिए राइट क्लियर है मेरे बच्चे ना आगे बढ़ते हैं आ, ये आ जाती है हार्मोन रिलीज सॉरी कॉपर रिलीजिंग आयुडीज जो है कॉपर रिलीजिंग आयोडीज में कॉपर्टी है जो भारत में बहुत ज्यादा चलती है गांव देहात में फ्री भी लगाई जाती है कॉपर सेवन की सिर्फ शेप सेवन जैसी होती है कॉपर्टी में क्या है द मेन फ्रेम ऑफ द इज मेड अप ऑफ पॉलीस्टाइरीन इट इज कोटेड विद बेरियम सल्फेट बेरियम सल्फेट से कोटिंग इसलिए करते हैं ताकि ये रेडियो ओपेक बन जाए रेडियो ओपेक इसलिए ताकि इट्स प्रेजेंस कैन बी डिटेक्टेड थ्रू एक्सरेज कॉपर वायर इज रैप्ड अराउंड द वर्टिकल स्टेम इस कॉपर वायर से लगातार कॉपर पर आयंस जो है वो रिलीज होते रहते हैं अ नाइलॉन थ्रेड इज हैंगिंग इट हैंग्स इनटू द विजाइना तो डॉक्टर जो है या हेल्थ वर्कर जो है या नर्स जो है वो फीमेल को ये कह देगी कि पीरियडिकली आप विजाइना में अपनी फिंगर्स इंट्रोड्यूस करके इस थ्रेड को फील करते रहिए अगर आपको ये थ्रेड फील हो रहा है इसका मतलब जो है वो कॉपर्टी यूट्रस में, में कई बार कॉपर्टी बॉडी कैविटी में चली जाती है तो ये वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं है जाकर के अपना बी एस करिए ठीक है ऋषभ क्लियर है टीचर बनना है तो सैलरी पूछने आ गया कैसी बेहुदा बात करी है तुमने ऋषभ और कोई टीचर नहीं दिखा अपने स्कूल टीचर से जाकर के पूछ लो ये सवाल तो तुम अपने स्कूल टीचर से पूछ लो मुझसे क्यों पूछने आए हो स्पेशली आई थिंक दिस आईडी शुड बी ब्लॉक्ड ये बिल्कुल एक सेंसलेस इंसान है ये हुई जी आईडी परमानेंट बाय ऋषभ एंजॉय चलिए मैं पानी पी लू जरा सो so, कॉपर टी कई बार जो है एक्सपेल आउट होकर बाहर भी आ जाती है बहुत सारी फीमेल्स में कॉपर टी लगने के बाद समस्या भी रहती है लगातार पीठ का दर्द बना रहता है इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है ठीक है पूनम बेटा ओके ना कॉपर आयंस जो रिलीज हो रहे हैं वो करते क्या हैं कांस्टेंट रिलीज ऑफ कॉपर आयंस जो है दे डिक्रीज द स्पर्म मोटिलिटी स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देते हैं स्पर्मिसाइडल इफेक्ट है स्पर्म को मार भी डालते हैं दे डिसरप्ट इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो कॉपर आयंस दे ब्रिंग अनफेवरेबल चेंजेस इन यूट्राइन एंडोमेट्रियम जिसके कारण इंप्लांटेशन नहीं हो पाता ठीक है जी क्लियर है कॉपर्टी जो है कई बार अच्छा ऐसा भी हो जाता है कि कॉपर्टी लगा हुआ है और फर्टिलाइजेशन भी हो गया और इम्प्लांटेशन भी हो गया और प्रेगनेंसी हो गई अगर कॉपर्टी लगा होने पे प्रेगनेंसी हो जाती है तो भाई फिर क्या करना है तो मान लीजिए आपने किसी पेशेंट में कॉपर्टी लगाई थी वो पेशेंट आपके पास एक साल बाद आती है और वो कहती है कि भाई मुझे तो मैंसेज नहीं हो रहे ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो इट मीनस मैं प्रेगनेंट हो चुकी हूँ आप उसका अल्ट्रासाउंड करेंगे सोनोग्राफी करेंगे सोनोग्राफी में आपको पता चल जाएगा प्रेगनेंसी हुई है या नहीं हुई है फिर आप अपने पेशेंट को बता देंगे कि भाई हाँ प्रेगनेंसी हो चुकी है तो हमें

दूसरे का प्रचार कर रहे थे हमारे आकाश जो नीट यूट्यूब चैनल पे आके और इंस्टीट्यूट्स का प्रचार करेंगे चैट बॉक्स में वो ज्वाइन करो वहां जाओ वो ज्वाइन तो भैया तुम खुद क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है यहां आकर के ये उद्धार करने की पढ़ाई पर फोकस करो अपना है ना सही बोला ना मैंने कड़वी बात है सच्ची है दिल पे लगती है इट इज बेटर टू बी स्लैब्ड विद्रूथर एक मूर्ख इंसान से अपनी तारीफ सुनने से बेहतर होता है बुद्धिमान इंसान से चपेड़ खा लीजिए आप ओके okay, प्रोजेस्टर सर्ट की बात करते हैं व्हाट इज प्रोजेस्टर सर्ट इट इज अ हॉर्मोन कंटेनिंग आईओडी राइट हमने नॉन मेडिकेटेड आईओडी देखी कॉपर कंटेनिंग आईओडीज देखी और हमने जो है अब हॉर्मोन कंटेनिंग आईओडीज जो है वो देखते हैं <coughs> चलिए आगे बढ़े दिलीप सुनो मेरे बच्चे जो सर्ट है हार्मोन लगा लगातार लोकली रिलीज हो रहा है सर्विक्स के म्यूकस को थिक कर देता है सर्विक्स का म्यूकस थिक होगा तो स्पॉम से पेनिट्रेट करके ऊपर नहीं आ पाएंगे इसके अलावा लेवल ज्यादा रहने से ओवुलेशन नहीं हो पाता रिलीज ऑफ progesterone inhibits ovulation, डज नॉट इंक्रीज द सीरम लेवल ऑफ द hormone, और लगभग एक साल तक है और फिर एक साल बाद जो है दोबारा लगाने पड़ते हैं इज इट क्लियर जी राइट right? जैसे ये एल 20 है, ट्वेंटी में में है एनसीआर है। इसमें जेस्ट्रोल है जो कि एक सिंथेटिक प्रोजेस्टीरोन है सर्विक्स के म्यूकस को थिक कर देता है ये पांच साल तक चल जाता है एल एन जी ट्वेंटी को रोकता है डॉक्टर और अ ट्रेंड नर्स इज गोइंग टू इंजर्ट द आयुडी इनटू यूट्रस, ना तो ये अपने आप अप लगा सकते हैं और ना ही ये अपने आप अप बाहर निकालना है ये सब डॉक्टर ही करेगा इस काम को ठीक है जी मैं आपको बता दूं ये कंप्लीट सेशन का पीडीएफ नोट्स आपको जो है मिल जाएंगे हमारे नीट आकाश डिजिटल चैनल पे टेलीग्राम चैनल पे और इसके अलावा बायो की रणनीति चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड इसके अलावा आप अगर मुझसे कोई बात करना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं डॉक्टर सचिन कपूर टॉक इज इट क्लियर प्रशांत कह रहा है टेस्ट बेबी को न्यूट्रिशन कहाँ से जहां से है? पढ़ा है, वहां इतना नहीं पढ़ा इनिशियल स्टेजेस में ही लेकर के वापस उसे मदर के यूटरस में डाल देते हैं सोलह सेल स्टेज है सोलह के बाद है ये थोड़ी है कि बच्चा टेस्ट ट्यूब में बन रहा है प्रशांत की बेवकूफी वाला सवाल बार बार भेजना बंद करो बाकी बच्चे मजाक उड़ा रहे हैं तुम्हारा टेस्ट ट्यूब के अंदर बच्चा नहीं उसमें डेवलप हो रहा

सेवेंटी टू आर्स के भीतर ले ली जाएगी तो ये यूटस में कॉन्ट्रेक्शन को एक्सपेल आउट कर देती है राइट right, बहत्तर घंटे के भीतर ले लेनी चाहिए लेकिन मान लीजिए थोड़ा सा ज्यादा भी टाइम हो गया तो भी ले सकते हैं बिल्कुल सही कहा रोहित ने माइफ प्रिस्टोन वाली पिल्स भी आती हैं प्रिस्टोन जो होता है ना माइफ प्रिस्टोन हैज वेरी हाई एफिनिटी फॉर रिसेप्टर्स प्रोजेस्टिंग प्रिस्टोन हैज वेरी हाई एफिनिटी फॉर प्रोजेस्टीरोन रिसेप्टर्स सो इट बाइंड टू द प्रोजेस्टीरोन रिसेप्टर ऑन यूटरस एंड डज नॉट अलाउ प्रोजेस्टिरोन टू परफॉर्म इट्स फंक्शन जब प्रोजेस्टिरोन अपना काम नहीं कर पाएगा तो यूट्रस कॉन्ट्रेक्ट कर जाएगा प्रोजेस्टिरोन ही तो यूट्रस को कॉन्ट्रेक्शन से बचाता है तो मान लो आपने ऐसी गोली खा ली है जो प्रोजेस्टिरोन को काम ही नहीं करने दे रहा तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा और मान लो अगर इम्प्लांटेशन हो भी चुका था अंदर तो वो सब चीज़ें बाहर एक्सपेल आउट हो जाएंगी लेकिन ये सब चीज़ें इमरजेंसी बा, मेथड्स बार बार इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए फीमेल की फिजियोलॉजी के साथ ये इंटरफेयर करते हैं हेड हो सकता है हैल पेन राइट जी मैंस्ट्रल साइकिल डिस्टर्ब हो सकता है मतलब इन सब मैथड्स के अपने अपने कोई ना कोई, कोई नुकसान जो हैं वो होते हैं ये सब हमने टेम्परेरी मेथड्स पढ़े थे अब हम आ जाते हैं परमानेंट मेथड्स पे सर्जिकल कॉन्ट्रोसेप्टिव जिन्हें मेथड्स कहते हैं जिसमें आप जानते हैं वेसेकटॉमीज फॉर मेल्स एंड ट्यूबर टॉमीज फॉर किया जाता है कि पेशेंट गया हॉस्पिटल में डॉक्टर ने सर्जरी करी और शाम को वापस भी आ सकते हैं बेसिकली करना क्या है ना सपोज कर लीजिए कि यह है स्क्रॉटम विच इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर हैंगिंग आउट साइड द बॉडी टू मेंटेन हेल्दी स्पर्म प्रोडक्शन द टेम्परेचर शुड बी लो सो नॉर्मल स्पर्म प्रोडक्शन के लिए ठीक है तो ये वाली डक्ट कह रहा जब बेटा ये डक्ट है वास डिफरेंस एक माइनर सी सर्जरी करनी है और हमने दोनों साइड की वास डिफरेंस को ऐसे काट के बांध देना एक छोटा सा टुकड़ा काट के जो है लगभग वन सेंटीमीटर से डेढ़ सेंटीमीटर तक का टुकड़ा जो है वो काट के दोनों वाज डिफरेंस का लेबोरेटरी में भेज दिया जाता है लैब में ताकि भैया एग्जामिन कर लें कि जो जो डक्ट काटी है, वो वास डिफरेंस ही काटी है 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 वो वो डिफरेंस ही ना कहीं गलती से आपने कोई नर्व तो नहीं काट दी पेशेंट की फिर स्टैंप लगा के आप अपने साइन करके पेशेंट को सर्टिफिकेट दे, दे देंगे कि भैया तुम्हारा वेसेक्टोमी हो गया है नैसेटमी हो जाने के इमीडिएटली बाद वो इफेक्टिव नहीं है और समय लगेगा कम से कम 20 बार इजेकुलेशन हो जाना चाहिए तब जाकर के वेक्टमी जो है कंप्लीटली ही इफेक्टिव होता है क्योंकि वास डिफरेंस का ये जो कटा हुआ हिस्सा है ना ऊपर का इसमें अभी भी मिलियंस ऑफ स्पर्म स्टोर्ड रहते हैं जो रिपीटेड इजेकुलेशन के साथ बॉडी से बाहर आते रहेंगे तो डॉक्टर ये बात कह देगा कि भाई या तो तीन महीने तक कोई और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फॉलो कर लो या बीस बार इजेकुलेशन हो जाने दो ठीक है माइनर सी सर्जरी है बट इट कैन नॉट बी इजिली रिवर्सड

वो हमने ऐसे काट के बांध दिया तो बेसिकली होगा क्या जैसे फेलोपियन ट्यूब के इधर फिम्बरे होते हैं ना ये ये सब चीजें तो अभी भी इंटैक्ट हैं ओवरी भी है ओवरी से ओवुलेशन भी होगा वो ओवा फेलोपियन ट्यूब में आएगा फेगोसाइटो से खा जाएंगे मर जाएगा बेसिकली क्या है कि स्पर्म का और ओवा का आपस में मिलन नहीं हो पाएगा फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा ठीक है जी क्लियर है महकदीप लेकिन होता रहेगा ये साइकिल को इफेक्ट नहीं करता है, ध्यान रखिएगा तो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू है ओवरी में ओवा भी बनेगा फॉलिकल भी डेवेलप होगा ईस्ट्रोजन भी सिक्रीट होगा प्रोजेस्टिंग भी होगा तो वो सारी चीजें यूट्रस पे ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू एक्ट करेंगी तो मैं साइकिल होता रहेगा उसका कोई लेना देना नहीं है ट्यूबेक्टोमी से इज इट क्लियर जी चल चांदवानी बात तो मैं बोल रहा हूँ तुमने इतना लंबा सवाल लिख करके भेजा क्या ट्यूबेटोमी के बाद होगा तो मैंने अभी समझाया तो, तो दी ये बात सारी ठीक है जी आयमन फातिमा का कहना है कि अगर नर्व काट दी वेक्टोमी में हाँ नर्व काट करके देखो मेडिकल का लाइसेंस वहीं कैंसिल हो जाएगा उठा करके हॉस्पिटल से बाहर फेंकेंगे आपको चलो आगे बढ़ते मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अनादर इंपॉर्टेंट कांसेप्ट फ्रॉम दिस चैप्टर एमटीपी व्हाट इज एमटीपी एमटीपी इज वॉलंटरी रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ कॉन्सेप्शन बिफोर फुल टर्म राइट वॉलंटरी रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ कॉन्सेप्शन बिफोर फुल टर्म प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन से क्या मतलब है? एम्ब्रियो और उसके चारों तरफ की एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्रेन ये सारी चीजें जो है यूट्रस से बाहर अगर हम निकाल दें वॉल्टेली नौ महीने प्रेगनेंसी के पूरे होने से पहले तो हम कहते हैं एम है ना एबॉर्शन भी कहते क्यों करना एम भाई बहुत सारी वजह हो सकती है अगर मान लो कपल ने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज किया था पर वो फेल हो गया काम नहीं करा और उनको बच्चा नहीं चाहिए तो वो एम टी तो भी करा सकते हैं इफ ऑफ ऑफ प्रेगनेंसी इज अ थ्रेट टू द सर्वाइवल मदर या अगर फीमेल जो है वो ल्यूनेटिक है पागलपन है वो उस गर्भावस्था को नहीं संभाल सकती उस बच्चे को ठीक है जी सो देन वी हैव टू डू द वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इसको इंड्यूस्ड इंडियब भी कहते हैं इंडिया में सन उन्नीस सौ इकहत्तर में इसे लीगलाइज कर दिया गया था बाय द गवर्नमेंट विद स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन टू प्रिवेंट एनी मिस यूज हाँ एम टीपी इसलिए नहीं करा सकते कि यूट्रस में डेवेलपिंग बेबी फीमेल है तो वो फीमेल फीटिसाइड में आ जाएगा वह क्रिमिनल आ, 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 एक्ट हो जाएगा एम टी पी इज स्टिल अ टॉपिक ऑफ़ डिबेट इन मेनी कंट्रीज बिकॉज मैनी सोशल इमोशनल मॉरल एंड रिलीजियस इशूज आर इन्वॉल्व इन दिस ये डेटा याद रखेगा नियरली फोर्टी फाइव टू फिफ्टी मिलियन एम टी पीज आर परफॉर्मड एवरी ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इट अकाउंट फॉर वन फिफ्थ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसीज थ्रू आउट द वर्ल्ड अगर देखें तो मिलियंस में एम टी पी हो रही हैं और अगर ये सब ना हों तो जनसंख्या और ज्यादा बढ़ जाए ठीक है जी एम टी पी कैन नॉट बी टेकन एज एम टी बी कैन नॉट बी टेकन एज अ मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन ध्यान रखिएगा क्लियर है जी एम करने के तरीके कई हो सकते हैं ये तो डिपेंड करता है कि जेस्टेशनल एज कितनी है कितने दिनों की प्रेगनेंसी अगर थोड़े दिनों की प्रेगनेंसी है तो ओरली दवाइयाँ देकर के ही हम अबॉर्ड कर सकते हैं अगर तीन महीने से ज्यादा हो गए हैं तो भैया फिर सर्जिकल मेथड भी हमें लगाने पड़ते हैं तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एम जो सेफ है एम टीपीज कंसिडर सेफ फॉर द फर्स्ट ट्वेल्व वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी बारह हफ्ते जब बीत जाते हैं अरित्रा बेटा तो फिर जो रिस्क फैक्टर है वो बढ़ जाता है ठीक है एनसीआरटी में बात लिखी है अब एम uh, के का मिस अगर भाई uh, गलत तरीके से गलत जगह से करा रहे हैं तो ये नुकसानदायक हो सकती है इंफेक्शन फैल सकता है शरीर के अंदर एंड फीमेल कैन आल्सो फीमेल फीटीसाइड क्यों है अगर मैं इंडिया की या बाकी कंट्रीज की बात करूं फीमेल फीटिसाइड मेल चाइल्ड इज फेवर्ड सक्सेसफुल की भाई मेल जो है वो वंश बढ़ाएगा आगे डाउरी सिस्टम है इट्स नॉट ओनली इन इंडिया इट्स इन अदर कंट्रीज ऑल्सो गर्ल नॉट सेफ लैक ऑफ एजुकेशन सो दैट मीनस डिफरेंट रीजन कि लोग ऐसा निर्णय क्यों ले लेते हैं कि भी हमे चाहिए फेवर्ड ओवर द रेशो की बात करूं इंडिकेट्स पर वन थाउजेंड मेल्स इन पॉपुलेशन एक हजार मेल्स के पीछे कितनी फीमेल्स हैं दैट इज सेक्स रेशो आइडियली वन इज टू वन होना चाहिए लेकिन ऐसा होता नहीं है सो इट प्रोवाइड एन इंडिकेशन बोथ द रिलेटिव सरवाइवल ऑफ फीमेल एंड मेल्स एंड द फ्यूचर ब्रीडिंग पोटेंशियल ऑफ दैट पॉपुलेशन राइट बर्थ्स के समय कई डिफेक्ट हो सकते हैं बच्चों के जो कि हम जन्म से पहले भी जान सकते हैं बहुत सारी चीजें बर्थ डिफेक्ट्स आर द प्रॉब्लम्स इन अ बेबी दैट अकर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट इन मदर्स बॉडी इट इज ऑलवेज बेटर इफ द पेरेंट्स ऑफ द किड वर अवेयर ऑफ दीज कॉन्जेनिटल एनॉमलीज दैट इज बर्थ डिफेक्ट्स बिफोर गिविंग बर्थ कितना अच्छा होता अगर पहले पता चल जाता तो हमारे पास कई सारी टेक्निक्स हैं एमनियोसेंटेसिस सेंटेंसेज हैं एक जो बहुत ही अच्छी टेक्निक है Amniocentesis, it is a prenatal diagnostic technique. Just me, a needle guided by ultrasound, is introduced into the uterus. Satha ultrasound, uterus, small amount of amniotic fluid is taken out. That amniotic fluid it has amniocytes, right? These amniocytes are the cells which are detached from the fetal skin. These amniocytes they are cultured in the laboratory and they are studied for. क्रोमोज़ोम्स हम देखते हैं कि भाई कहीं ये क्रोमोजोम 44 फोर प्लस एक्स ओ तो नहीं है 44 फोर फौर्ट प्लस एक्स एक्स वाई तो नहीं है अब यही चक्कर है कि भाई हमें यहाँ पे पता चल जाता है कि भाई मेल चाइल्ड है या फीमेल चाइल्ड है और अगर ये बात डिक्लेयर कर दी जाती है पेरेंट्स को जो कि कानूनन अपराध है ऐसा नहीं करना है ठीक है जी अदरवाइज एमनियोसेंटेसिस एक बड़ा ही यूजफुल टेक्निक है स्टेप वन में अल्ट्रासोनोग्राफी इज डन टू डिटेक्ट द बेबीज पोजिशन इंजर्शन ऑफ द नीडल जेंटली टेकिंग द सैंपल ऑफ द एमनियोटिक एंड देन दैट सैंपल इज टेस्टेड इन द लेबोरेटरी

उसके परिवार में उसके पति के परिवार में ऐसा कुछ हुआ प्रशांत कह रहे आप रोस्ट बड़ा खतरनाक करते हो बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत हिस्ट्री ऑफ द जेनेटिक डिजीज एबनॉमैलिटी फाउंड बाय अल्ट्रासाउंड ठीक है सो so ये सब वजह हो जाती है कि आप एमनियोसेंटेसिस क्यों रिकमेंड करेंगे Have you enjoyed the session? इफ यू आर एंजॉइंग द सेशन और आपको दिल से अच्छा लगा है तो जरूर लाइक like का बटन प्रेस कीजिएगा और चैट बॉक्स में मुझे लिख करके भेजो गला थक जाता है इतना बोलते बोलते आप लोगों से हम कुछ चार्ज नहीं करते हैं कुछ फीस नहीं लेते हैं देख लीजिए इतनी क्वालिटी एजुकेशन पीडीएफ नोट्स, एवरीथिंग यू आर गेटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट तो आपके दिल में ना ग्रेटिट्यूड होना चाहिए एक कदर होनी चाहिए जब आप किसी चीज की कदर नहीं करेंगे ना दिल से तो फिर आपको उसका फायदा भी नहीं होगा कभी भी ध्यान रखिएगा लाइफ में ठीक है जी ग्रेट वंडरफुल आपके मैसेजेस में देख पा रहा हूं आयुष आकांक्षा क्शुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन या डिजीजेज वो हैं जो अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल इंटरकोर्स के जरिए फैलती हैं सेक्शुअली ट्रांसमिट डिजीजे की जगह अब जो एनसीआर ने वर्ड दे दिया वो sexually transmitted infection दी है इसका वजह भी मैंने आपको बताई थी कि भाई डिजीज कहना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है इन्फेक्शन कह देना मतलब हल्का फुल्का इन्फेक्शन है और वो जल्दी ठीक हो जाएगा सो दीज गेट ट्रांसमिटेड थ्रू अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल इंटरकोर्स या थ्रू द बॉडी फ्लूड इंटरेक्शन ब्लड अगर खून चढ़ा दिया जाए एक एच पॉजिटिव इंसान का दूसरे को तो उससे भी तो जाएगा है ना इनको वेनेरल भी कहते हैं या आरटीआई भी कहते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इंफेक्शन भी बोलते हैं अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइड करना चाहिए वन शुड यूज कॉन्डम ड्यूरिंग द सेक्स और अगर बीमारी हो जाती है क्वालिफाइड डॉक्टर को कंसल्ट करना है अपना चेकअप कराना है बड़ा ज़रूरी है लेकिन होता क्या है कि गुप्त रोग जो है वर्ड ही ऐसा है अगर पता चले कि, कि किसी को हो गया है तो एक सोशल स्टिग्मा की तरह ये चीज़ हो जाती है है ना हम उसे गलत दृष्टि से देखते हैं कि इसका चरित्र खराब होगा नोट्स कहाँ मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे डॉक्टर सचिन कपूर टॉक टेलीग्राम चैनल बायो की रणनीति टेलीग्राम चैनल या फिर नीट आकाश डिजिटल टेलीग्राम चैनल वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखना वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएंगे ठीक है जी सो so, ये सारे reasons हैं जिसके कारण बच्चे लोग जो है फिर एवॉड कर जाते हैं कि भाई बीमारी हो गई खुद ही अपना नीम हकीम खतरा है जान कहीं से इलाज करा रहे हैं कैमिस्ट से दवाइयां ले रहे हैं डोंट डू दैट

कृष्ण कृष्ण क्या नाम है कृषांत चौहान ट्यूबेक्टमी के बाद एसटीडी टीडी भैया ट्यूबेक्टमी एसटीडी से क्या लेना देना इनका सवाल कैसा है बहुत ही बेवकूफी वाला है ट्यूबेक्टमी हो गई है तो क्या एसटीडी नहीं होगी भाई मेरे एस टीडी क्या जाकर के? एस व्हाट इज एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन वल्वा में में यूट्रस में कहीं भी प्रभावित कर सकता है वो बिल्कुल बेतुका सेंसलेस सवाल था तुम्हारी इमेजिनेशन भी कितनी बेहुदा है कि अगर फेलोपियन ट्यूब की ट्यूबेक्टोमी होगी तो एस नहीं होगी क्या बात है कौन सी क्लास तक पढ़े हो ऐसा सवाल अगर कोई चौथी पांचवी का बच्चा पूछता तो थोड़ा शायद वाजिब भी लगता तुम बारहवीं क्लास में हो और स्कूल में ये चीजें पढ़ चुके उसके बाद तुमने इतनी बेतुका सवाल पूछा है वेरी गुड जी वेरी गुड चलिए ये देख लीजिए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन की पूरी लिस्ट है ये आपकी टिप्स पे होनी चाहिए कि कौन सी डिजीज है और वो कौन सा ऑर्गेनिज्म करता है गोनोरिया काजिटिव एजेंट निजीरिया गोनोरिए सिफिलिस जिसे फ्रेंच पॉक्स भी कहते हैं ट्रेपोनिमा पैलिडम जेनिटल हर्पीज हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस

एड्स ह्यूमन इम्यूनोडेफिशंसी वायरस दिस लिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट यू विल गेट दी डी एफ नोट वेर यू विल गेट इट टेलीग्राम चैनल यू कैन ज्वाइन माई चैनल डॉक्टर सचिन कपूर टॉक पी एल के या फिर नीट आकाश डिजिटल यहां भी आपको मिल जाएंगे लाइक like का बटन जरूर प्रेस करते रहना मेरे बच्चे ठीक है जी लास्ट टॉपिक इनफर्टिलिटी है समय का अभाव होने के कारण मैं आपको इनफर्टिलिटी के नोट्स जो है वो दे रहा हूं एनसीआरटी डिफाइन करती है इनएबिलिटी टू कंसीव और प्रोड्यूस चिल्ड्रन इवन आफ्टर टू इयर्स ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स इनफर्टिलिटी के कारण मेल में भी हो सकते हैं फीमेल में भी रीजन कई तरह के हो सकते हैं ठीक है जी नाउ रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ क्या है वेरियस टेक्निक्स विच आर यूज टू हेल्प इनफर्टाइल कपल्स टू कंसीव वेन नेचुरल कंसेप्शन इज नॉट पॉसिबल अब यहां पर आप ये सारी टेक्नीक जो है मैं चाहूंगा कि खुद अपने आप पढ़ेंगे और जो बच्चे डिटेल में

बेबी है वो यूट्रस में डेवलप होता है ठीक है जी बेबी फेलोपियन ट्यूब में आ, बेबी टेस्ट ट्यूब में डेवलप नहीं होता सो so ये सारी फुल फॉर्म याद रखना गिफ्ट इज गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज ए आई आई यू आई इज इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन ये टेक्निक्स बहुत एक्सपेंसिव होती है बहुत कम जगहों पर अवेलेबल है बहुत पैसा खर्च होता है रिक्वायर्स वेरी हाई डिग्री ऑफ प्रोसीशन तो बेटर मेथड रहता है कि एडोप्शन अब ये रहे जी क्वेश्चन ये क्वेश्चन में आपको कंप्लीट दे रहा हूं जो आप इसे खुद करेंगे आंसर्स आपको मिल जाएंगे इसके ठीक है जी और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना अपने आपने एंड and... चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को हिट कर दीजिए इस तरह के बेहतरीन सेशंस के लिए सो क्रैश कोर्स हम आपके लिए रन कर रहे हैं अभी थोड़ी देर में ही डॉक्टर की क्लास आपके साथ शुरू होने वाली है कहीं जाना नहीं है जल्दी से चाय पानी पी करके आप वापस लौट आएंगे ये हमारे कुछ प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें खरीदने के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर देख लीजिएगा आपको लिंक मिल जाएगा वाई टी नीट टेन अगर आप कोड यूज करते हैं तो आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा दिस इज द टेलीग्राम चैनल विच आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन डॉक्टर सचिन कपूर टॉक मेरा अपना टेलीग्राम चैनल है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं जी सो so, पढ़ते रहिए खुश रहिए एंड खुशियां बांटते रहिए ठीक है जी राइट right? महक नमस्कार बाय बाय गॉड ब्लेस यू ऑल